हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह फर्स्ट द्वारा कहाँ से लाई गई थी। तो जयपुर में जो मीनाकारी की कला है वो फेमस है, वो राजा कौन लाए थे? राजा मान सिंह लाए थे, राजा मान सिंह फर्स्ट लाए थे। और वो राजा मान सिंह फर्स्ट मीनाकारी की कला कहाँ से जयपुर में लाए थे? तो राजा मान सिंह फर्स्ट मीनाकारी की कला लाहौर से जयपुर में लाए थे। कहाँ से जयपुर में लाए थे? लाहौर से जयपुर में मीनाकारी की कला लाए थे राजा मान सिंह फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है तो, और इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है वो बताना है। इनमें से ये सुमेलित किए हुए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित गलत है, मतलब गलत मैच किया हुआ है, उसको बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं बाबूजी, बाबूजी का संबंध कहाँ से है? कोलूमन जोधपुर से संबंध है, सही है ये। तेजा जी का संबंध कहाँ से है? खरनाल से, ये भी सही है। गोगा जी का संबंध कहाँ से है? ददरेवा से, यह भी सही है। लेकिन जो मल्लीनाथ जी है उनका संबंध गागरौन से नहीं है। गागरौन का संबंध किससे है? पीपा जी से है। मल्लीनाथ जी का संबंध गागरौन से नहीं है। तो इसका ये गलत सुमेलित कौन सा हुआ? सी। तो इसका आंसर हुआ सी, मल्लीनाथ जी का संबंध गागरौन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो जहांगीर ने कौन से शासक के मनसब में कमी की? उसने कमी की थी राजा मानसिंह था उसके मनसब में कमी की थी जहांगीर ने। राजा मानसिंह के मनसब घटा दिए थे जहांगीर ने। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज सेकंड से संबंधित है? अजयराज सेकंड से संबंधित कौन सा काल है, मतलब अजयराज सेकंड लगभग कौन से समय में हुए थे? तो वो हुए थे 1105 के आसपास हुए थे। तो अजयराज सेकंड से संबंधित काल कौन सा है? 1105 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो घोसुंडी शिलालेख लिखा गया है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? घोसुंडी शिलालेख लिखा गया है कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 2012 में? तो राज्य चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? कृष्णा पूनिया को। राज्य चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? कृष्णा पूनिया को बनाया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो राजस्थान को भारत के द्वितीय श्रेणी भाग बी में रखा गया था। कौन से श्रेणी में रखा गया था? द्वितीय श्रेणी में और भाग बी में रखा गया था राजस्थान को भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य में 1934 में किस स्थान पर प्रजामंडल की स्थापना हुई, मतलब 1934 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो 1934 में हुए थी जोधपुर के प्रजामंडल की स्थापना। 1934 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सितंबर 1857 को कौन से स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की राजकीय सेना को
पराजित किया। तो 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह ने कौन से स्थान पर जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो वो स्थान था बिथोड़ा। बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो कौन से महाराणा थे मेवाड़ के जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दिए थे दान में? वो थे महाराणा जगत सिंह सेकंड। कौन से थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको ये सुमेलित किए हुए हैं उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है अपन को। तो फर्स्ट है मारवाड़ उत्सव का मनाया जाता है जोधपुर में, ये सही है। ऊट महोत्सव बीकानेर में, ये भी सही है। हाथी उत्सव का मनाया जाता है जयपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रज महोत्सव क्या लिखा हुआ है? धौलपुर है, जबकि ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं मनाया जाता। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में। कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में, ठीक है। तो कौन सा गलत सुमेलित है? डी। तो सुमेलित गलत कौन सा है? आंसर क्या होगा? डी। तो ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और उसका अंत होता है। त्योहारों की शुरुआत तो किससे होती है? श्रावणी तीज से। और त्योहारों का जो अंत होता है वो किस त्यौहार से होता है? वह होता है गणगौर से। इसका आंसर क्या होगा? गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? वो है अलवर भरतपुर का लोकप्रिय नृत्य है बमरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है वांगड़ी। कौन सी भाषा बोली जाती है? वांगड़ी भाषा बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में, ये सही है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में, सही है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में, ये भी सही है। सरिस्का कहाँ है? अलवर में, ये भी सही है। रामसागर कहाँ है? रामसागर कोटा में नहीं है, रामसागर है धौलपुर में। कहाँ है रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य? धौलपुर में, धौलपुर। तो ये गलत सुमेलित है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1974-75 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1974 और 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? तो जो दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आदिवासी कौन सी कृषि विधि काम में लेते हैं? वालरा। किसी कौन सी कृषि विधि काम में रहते हैं? वालरा। इस कृषि विधि में आदिवासी क्या करते हैं? जंगलों को आग लगा करके जंगलों को साफ कर देते हैं, फिर उस स्थान पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो वालरा कृषि कहाँ की जाती है? दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाती है। जंगल को आग लगा करके साफ कर देते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब हुई? 19वीं पशुगणना हुई थी राजस्थान में 2012 में। 19वीं पशुगणना हुई थी 2012 में और 20वीं पशुगणना हुई थी 2017 में। 20वीं पशुगणना हुई 2017 में। तो पशुगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 5 वर्षों के बाद, हर 5 वर्षों के बाद एक पशुगणना होती है राजस्थान में।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग नहर जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। वो किस वर्ष बनाई गई थी, मतलब गंग नहर का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? गंग नहर को ही आगे चल करके हम क्या कहते हैं, अब इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। गंग नहर को ही अब क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर। तो गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया था, 1927 में। कब करवाया गया था, 1927 में करवाया था गया था गंग नहर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी स्थित है दोसा में। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, आबानेरी दोसा में। चांद बावड़ी स्थित है आबानेरी दोसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो मांडव की पाल फ्लोराइड के उत्पादन के लिए विख्यात है। किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, फ्लोराइड के उत्पादन के लिए विख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे रेलवे की सुविधा है ही नहीं? तो वो राजस्थान का वो कौन सा जिला है, वो जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ज़िले में रेलवे की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मान लो ऐसे ये राजस्थान है इस तरह से, तो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर, ठीक है। तो अपन को क्या पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। अगर आप अपन से पूछ ले पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869। कितनी है, 869 है। लेकिन अपन से पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र से सुमेलित है कौन सा जिला है, अलवर है। अरावली का मध्यवर्ती भाग से संबंधित जिला है जयपुर। भोराट क्षेत्र कौन से स्थान पे है, उदयपुर। और दक्षिण अरावली कहाँ है, दक्षिण अरावली है सिरोही। ओके तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र जयपुर, अरावली का मध्य भाग उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर, अरावली का मध्य भाग जयपुर, भोराट क्षेत्र उदयपुर, दक्षिण अरावली सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान का संबंध किस नदी से है? छप्पन मैदान का संबंध किस नदी से है? तो छप्पन के मैदान का संबंध है माही नदी से। छप्पन के मैदान का संबंध कौन सी नदी से है, माही नदी से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है, मतलब AW प्रदेश कौन सा है? तो इनमें से AW प्रदेश है डूंगरपुर। कौन सा है AW प्रदेश, डूंगरपुर। इन सब में से AW प्रदेश है डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है, मतलब कौन से खनिज से लवणीयता और क्षारीयता की समस्या को समाप्त किया जा सकता है? मृदा में लवणीयता क्षारीयता की समस्या पाई जाती है, उसको किस खनिज द्वारा समाप्त कर सकते हैं, जिप्सम द्वारा। कौन सा खनिज द्वारा समाप्त कर सकते हैं, जिप्सम द्वारा लवणीयता और क्षारीयता की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करो, तो इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है ना अपन को पूछा है इमारती लकड़ी, तो इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है शीशम से। जबकि चारकोल किससे प्राप्त होता है, कीकर से। कत्था किससे प्राप्त होता है, खैर से। कत्था किससे प्राप्त होता है, खैर से। अब बीड़ी किससे प्राप्त होती है, बीड़ी प्राप्त होती है तेंदू की पत्तियों से। ओके अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।